हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल एसएमआर में। दोस्तों, यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए आए तो हमारे चैनल को नीचे जो लाल बटन दिख रहा है उसे दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को दबा के नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि आपको नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहे। दोस्तों, ये सैमसंग का फ़ोन है। दोस्तों, सैमसंग ग्रुप 1200 आपका कोई भी फ़ोन हो, दोस्तों यदि आपका जो है माइक चेंज करने हैं उसमें मतलब माइक नहीं काम कर रहा तो दोस्तों यहाँ पर एक जंपर लगा दीजिए। आपको जंपर कहाँ से कहाँ तक लगाना है दोस्तों, मैं इस वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों, यदि आप नया नया माइक लगा रहे हैं, ओरिजिनल माइक लगा रहे हैं, फिर भी आपका मतलब काम नहीं कर रहा तो इसकी सप्लाई चेक कर लीजिए, आपकी सप्लाई कहाँ से कहाँ तक जाती है इस वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों, तो आपको इस प्रकार से एक जंपर लगा देना है। दोस्तों, आपका जो यदि सप्लाई ब्रेक रहेगा और माइक सही रहेगा तो आपका जो है प्रॉब्लम 100% सॉल्व हो जाएगा। दोस्तों, तो चलिए सबसे पहले आप अपने मोबाइल को खोल लीजिए। खोलने के बाद दोस्तों आप जो है अपना पीसीबी को निकाल लीजिए। निकालने के बाद दोस्तों मैं बताऊंगा कहाँ से कहाँ तक आपको जंपर लगाना है। तो ये देखिए, आप जो है यहाँ पे चलिए आइए माइक की तरफ, जो यहाँ पे माइक लगा हुआ है तो यहाँ पे आप देख लीजिए यही सप्लाई है। दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक आपकी जो है प्लस की सप्लाई आती है और माइनस की सप्लाई आप दोस्तों कहीं भी दे सकते हैं। आप इस प्रकार से जंपर लगा दीजिए, आपका प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाएगा। दोस्तों, यदि आपकी सप्लाई ब्रेक हो गई है दोस्तों तो आप जो है इस प्रकार से जंपर लगाइए, डायरेक्ट माइक में जो है तार जोड़ के इस प्रकार से जंपर लगा दीजिए, आपका जो है 100% माइक वर्क करने लगेगा। दोस्तों, तो कैसा लगा ये वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, यदि आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है तो।